ये जो सपने हैं ना, ये हैसियत देखकर नहीं देखे जाते, बल्कि ये तो हैसियत बनाने के लिए देखे जाते हैं। और देखिए, यहाँ तो हम कर रहे हैं आपके एंटरटेनमेंट के सपनों को पूरा, क्योंकि हाजिर है हमारी सास बहू और बेटिया की एयरलाइन लेकर आपके फेवरेट शोज की सारी हाइलाइट्स, वो भी एक साथ। तो चलिए भर लीजिए हमारे साथ एंटरटेनमेंट की ये उड़ान। कलर्स के सीरियल सावी की सवारी में चल रहा है परिवार में अखंड रामायण का पाठ, और पूजा का प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है सावी को। लेकिन सावी प्रसाद लाने में देरी कर देती है और ऐसे में सासू माँ भड़कने लगती है, क्योंकि अखंड रामायण का ये पाठ रुकना नहीं चाहिए और ये प्रसाद इस पूजा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सावी को बचाने के लिए पहुँच जाता है नित्यम प्रसाद लेकर और कहता है कि सावी ने ये प्रसाद बनाया है। अखंड रामायण का जो पाठ की जिम्मेदारी है वो जो यूडी हैं उन्होंने सावी को दी है। अब सावी की जिम्मेदारी है कि हर चीज़ टाइम पे हो, क्योंकि अखंड रामायण में क्या होता है कि जब पाठ पढ़ा जाता है तो वो नॉन स्टॉप पढ़ा जाता है, उसकी हर एक तैयारी हमें पहले से करनी होती है, और घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी है। लेकिन उस बीच में सावी थोड़ा लेट हो गई है और प्रसाद जो है वो भी टाइम पे चाहिए, क्योंकि भोग चढ़ाया जाता है तो वहाँ पे गर्मा गर्मी है, टेंशन है कि क्योंकि पाठ रुकना नहीं चाहिए वरना अपशगुन माना जाता है। तो मैं आ जाता हूँ और सब नॉर्मल हो जाते हैं। यार मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है कि ऐसी क्या वजह है जो सावी अजीब सा रिएक्ट कर रही हैं, खड़े खड़े सो जा रही हैं। ऐसा क्या हुआ है, क्यों वो नींद में है या कुछ और हुआ है उन्हें तो खड़े खड़े सो जाती हैं, तो मैं उनको उठा कर ले जाता हूँ। शायद कुछ तो उन्होंने कहा होगा। हाँ, प्रसाद मैं बनाता हूँ और मैं उनकी मम्मी को फ़ोन करके उनसे रेसिपी पूछता हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ परफेक्ट बनाने की आदत है। तो मैंने कुछ ऑनलाइन देख के जो सामान था सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन रेसिपी जो थी वो सावी को बनानी थी, तो मैंने सोचा वो इस सिचुएशन में है नहीं कि वो खुद बना पाए, तो मैं खुद बनाने जाता हूँ और उनकी मम्मी को फ़ोन करके उनसे रेसिपी पूछता हूँ कि किस तरह से बनाना है, और मैं बना के ले आता हूँ। रिएक्शन मैं बोल देता हूँ कि ठीक है, मतलब सावी थोड़ी थकी हैं, क्योंकि घर वालों के लिए वो बहुत अहमियत रखती हैं, हमेशा उन्होंने सबको खुश रखा है, तो एक आध दिन उनसे कोई गलती हो गई तो शायद माफ़ कर देंगे। फरमान को शौक़ भी है तो वो बना नहीं पाते हैं, कभी बनाया तो जला दिया, कभी ऐसा बनाया कि खुद नहीं खा पाए, तो कभी कुछ डालना भूल गए तो कभी जला दिया। इसलिए फरमान ने त्याग लिया है कि वो कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ खाएंगे। और मेरी मम्मी ने मुझे किचन में आने से रोक लगा रखी है, हालांकि वो वहाँ है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में जो है स्विगी, ये जितने ऑनलाइन ऐप होते हैं इनसे खाना मंगवाना या दो चार टिफ़िन बॉक्स सर्विस हैं उनसे मैंने अपना जो हेल्दी खाना होता है वो मंगवाना शुरू किया, कुछ नहीं आता बनाना। या शाही पनीर, मतलब शाही पनीर के लिए मैं कुछ भी छोड़ देता हूँ, शाही पनीर मुझे बहुत पसंद है, मिठाई मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मिठाई खाना मैंने छोड़ दिया है क्योंकि शेप चला जाता है, आउट ऑफ द शेप अगर मैं गया तो दालमिया दालमिया नहीं रहेंगे, वो कुछ और बन जाएंगे।